हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बात करेंगे एक असली एसयूवी के बारे में, जो कि है महिंद्रा बोलेरो। और जो चीज सबसे अच्छा बात है इस गाड़ी का, वो है 2,25,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है। ओनर मिस्टर अनूप बात करेंगे बाद में, पहले गाड़ी का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भाई जो वेट है इसका, तो मेन जो है आज के डेट में 1.5 लीटर का इंजन आता है बोलेरो के साथ। और इसमें पहले आता था 2.5 लीटर का इंजन, जो कि 63 BHP प्रोड्यूस करता है एंड 180 Nm टॉर्क के ऊपर। और आज के डेट में शायद वो जरा सा ज़्यादा है, लेकिन 2.5 लीटर का इंजन है। चलाएंगे गाड़ी को, फील बताएंगे आपको। भाई बहुत हेवी है भाई, आवाज़ सुन लो। बाकी इसमें 7 सीटर कार है, आपको पता ही है। बाहर से उतना खास लगता नहीं है गाड़ी, लेकिन क्या है, जो चीज़ मेन है वो है अंदर का। अंदर का आपको बाद में बताता हूँ। बाकी इसमें जो टायर अप्रूवल आता है वो है, भाई अंधेरा हो रहा है, 215/75 R15 का। और ये पहले आता था, अभी महिंद्रा का एमहॉक का इंजन आता है, ये पहले आता था M2DICR करके इंजन, पहले महिंद्रा बनाता था, लेकिन अभी जो है एमहॉक के नाम से आता है इंजन। पहले का जो लेंथ था वो है 4,180 mm का, लेकिन अभी का जो लेंथ है वो सब 4 मीटर में ही आता है। अभी तो आपको बोलेरो न्यू भी मिल जाएगा एंड बोलेरो भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही आता है 1.5 लीटर के इंजन में। तो अंदर चलते हैं एंड जो मेन चीज है वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो भाई, महिंद्रा तब भी, ये 2016 की गाड़ी है, पूरा डिजिटल MID महिंद्रा तब भी देता था। और यहाँ पे माइलेज का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप चारों जितना विंडो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। हैंडब्रेक ये है और गियर ये है। बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो आता नहीं था, तो ये चीज़ बाद में लगाया गया है। अदरवाइज AC आता है इसके साथ। एंड जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप ए सीट में बैठ रहे हो तो यहाँ पे पकड़ने के लिए भी एक जगह दिया गया है। एंड ग्लोव बॉक्स जरा सा यहाँ पे दिया गया है। ये सब में उतना नहीं है, लेकिन 7 सीटर कार है। अब देख सकते हो पीछे में वो साइड में 2 सीट हो जाता है, यहाँ पे 3 सीट। तो इस गाड़ी में बैठने से जो मेन चीज़ लगता है ना, वो एक, अब यहाँ से मुझे सामने का पूरा व्यू दिखता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलेरो का। और अगर मैं SUV का बात करूँ, कॉम्पैक्ट SUV का बात करूँ, तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन इस गाड़ी का जो मज़ा है ना, जितना भी ख़राब रास्ते में ले लो, ये गाड़ी आपको वहाँ पर एकदम भी दिक्कत फील नहीं कराएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी 2,27,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। सेफ्टी का अगर बात करूँ तो भाई गाड़ी तो बहुत हेवी है, लेकिन इसमें कोई एयरबैग वगैरह है नहीं इसमें। एंड EVS EVT AV है नहीं, 2016 में ये सारा चीज़ नहीं देता था महिंद्रा। लेकिन आज के डेट में अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो महिंद्रा का बोलेरो में भी वो जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। नहीं हिल रहा है उतना, जरा सा नपकेंगे, चलाते हैं एंड बताते हैं भाई आज के डेट में भी ये गाड़ी सच में कितना अच्छा है। ये चीज मुझे दिखाना था कि सोच लीजिए आप कि 2016 का गाड़ी है और ये साउंड से बता दे रहे हैं कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहना हूं। एक सेकेंड, सीट बेल्ट पहन लेता हूँ पहले। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में कि बता देता है कि सीट बेल्ट पहन लो आप। बाकी यहाँ पे वार्वियन वगैरह आपको मैनुअली। अच्छा, careful, your hand brake. देख लीजिए कितना स्मार्ट बनाया था महिंद्रा ने उस टाइम भी। डीजल गाड़ी चलाने का मजा कुछ अलग होता है, और महिंद्रा का गाड़ी तो भाई सच में एक्सीलेंट होता है। ब्रेकिंग देखता हूं, ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो भी 183 Nm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है, तो पहाड़ों में भी ये गाड़ी आराम से चल सकता है, कोई दिक्कत वहाँ पे फेस होगा नहीं। और जो स्टीयरिंग है ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, यही बात है, आराम से दिखता है सामने का पूरा नज़ारा।
चलान इतना दिन बाद भी इस इंजन में एक भी काम नहीं हुआ है, उसके बाद भी गाड़ी मस्त चल रहा है। तो चलिए अभी ओनर को बैठाते हैं और अंधेरा भी हो गया है लगभग, तो ओनर से बात करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो मिस्टर अनूप ओनर है, मुझे इतना बताओ कि आप बोलेरो ही क्यों लिया था या फिर दूसरा कोई गाड़ी देखा था आपने? दूसरा देखा था, आर्टिका देखा था, लेकिन आर्टिका का देख के फाइनल भी किया था, बाद में बोलेरो देखा, बोलेरो लिया क्योंकि मुझे लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप करना था। तो आर्टिका से अच्छा है? आर्टिका से बहुत अच्छा है लॉन्ग ट्रिप करने के लिए, सेफ्टी भी है। नेक्स्ट जो चीज है कि इस गाड़ी में मुझे जानना है आपसे कि कौन सा चीज इस गाड़ी का आपको अच्छा लगता है? जो इसमें बैठ के बहुत मजा आता है, बैठ के सामने भी पूरा दिखाई देता है, अच्छा से देख के चला सकता है हम। तो आज के डेट में इस गाड़ी का 2.5 लीटर का इंजन है, लेकिन आज के डेट में ये गाड़ी अगर सेल करके आपको लेना पड़े तो आप बोलेरो ही लोगे या दूसरा कोई गाड़ी लोगे? मैं तो बोलेरो ही। लेकिन अभी का इंजन 1.5 लीटर का इंजन है, फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि बोलेरो इतना दिन से चला रहा, बोलेरो चला के बहुत मजा आया। और एक चीज मुझे जितना अच्छा लगा है इस गाड़ी में, मतलब बहुत सारे चीज के लिए वो बोल देता है, कौन सा चीज के लिए बोलता है यहाँ पे? फ्यूल के लिए बोलता है, मतलब फ्यूल खत्म हो रहा है तो बोल देता है। हाँ। और रिजर्व पड़ने से पहले बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद जब 70-80 किलोमीटर जाएगा उस टाइम एक बार दो बार बोलेगा। मेरा स्पीड जब 80 किलोमीटर उठ जाएगा तो मतलब गाड़ी है और जितना ऑयल है उसमें 80 किलोमीटर जाना है गाड़ी को। अच्छा। उस टाइम बोल देगा और लास्ट 50 किलोमीटर जब जाने का ऑयल रहेगा तब चार बार बोल देगा। अच्छा, तो मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी भी इस गाड़ी में बोल देता है, मतलब स्मार्ट बनाया था गाड़ी को महिंद्रा ने उस टाइम भी, मतलब बोलेरो के अंदर। और अभी अगर मैं बोलूं कि इस गाड़ी में खराब कौन सा चीज लगता है आपको? खराब चीज तो मुझे ऐसा लगा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि गाड़ी आप खरीदे हो तो कुछ खराब है नहीं, लेकिन गाड़ी में कुछ तो खराबी है? हो सकता है, मुझे ऐसा लगा नहीं है अभी तक खराब। तो चलो जरा सा ही बात था इनके साथ। देखिए बोलेरो कौन खरीदता है? एक तो बोलेरो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली यूज़ होता है, तो अगर बोलेरो कॉमर्शियली यूज़ होता है तो जो ओनर रहता है ना बोलेरो का, कभी भी, मैं इतना बोल दे रहा हूँ, कभी भी कुछ भी गलती वहाँ पे निकालता नहीं है। ये चीज़ मैं बहुत बार देख चुका हूँ। और मैं नॉर्थ सिक्किम भी गया था तो वहाँ पे मैं मुझे दिखा था भाई 80% बोलेरो है, 10% वो भी महिंद्रा का कुछ ना कुछ गाड़ी है, लेकिन फिर भी मैं जब गाड़ी को चलाया हूँ तो मुझे वो बॉडी रोल का फील हुआ। अगर मैं बॉडी रोल का बोलूँ तो आज के डेट में महिंद्रा के गाड़ी में बॉडी रोल बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले का गाड़ी में जैसे कि आप स्कॉर्पियो भी ले लो या फिर जाइलो ले लो तो वहाँ भी बॉडी रोल जरा सा फील होता था आपको, लेकिन फिर भी ये गाड़ी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। थैंक यू अनूप। और एक चीज़ इस गाड़ी का आपको बता देता हूँ कि इसका जो माइलेज है, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो 16 का एवरेज निकाल देती है गाड़ी आराम से, वो भी सिटी में 12-13 तो आराम से निकाल देती है। एंड डीजल में माइलेज भाई सच में बहुत अच्छा है, 15-16 रुपए का डिफरेंस है पेट्रोल से तो। और ये गाड़ी लगभग बहुत जगह घूम के आया है ये गाड़ी, अब ओनर जरा सा शर्मा रहा है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा उतना। तो मैं बता दूं आपको, ये गाड़ी हिमाचल स्पीति वैली एंड केदारनाथ बद्रीनाथ, केदारनाथ तो नहीं जाता है गाड़ी, लेकिन हाँ उत्तराखंड पूरा घुमा है गाड़ी, यहाँ पे सिक्किम पूरा घुमा है गाड़ी। तो सस्पेंशन भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ख़राब रास्ते के लिए ये गाड़ी मेन है। हाँ चलो ठीक है, ये गाड़ी आप वो चू चाँ करके और टानने वाला गाड़ी में से नहीं है, एकदम आराम से चलता है, राजे के माफी की गाड़ी चलता है रास्ते में। एंड बस मुझे वो बॉडी रोल का लगा है जरा सा दिक्कत, अदरवाइज गाड़ी बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग भी जरा सा स्टिफ है, अभी इतना किलोमीटर चल गया उसके वजह से हो सकता है, लेकिन हाँ हाइड्रोलिक है तो भाई जरा सा स्टिफ तो रहेगा हाइड्रोलिक का स्टीयरिंग। तो बस इतना ही मुझे लगा है, बाकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलेरो।
और चला के भी मज़ा बहुत अच्छा आता है। बाकी नया वाला बोलेरो कभी आएगा तो सामने आपको ज़रूर दिखाएंगे। एंड अगर आप यूज्ड कार भी ले रहे हो तो तब भी देखिए 2 लाख किलोमीटर चल चुका है उस गाड़ी में। अभी तक चेंज जितना मुझे ओनर बताया है कि क्लच प्लेट चेंज हुआ है, ब्रेक्स वगैरह तो चेंज हुआ है, चलो ठीक है, टायर चेंज हुआ है, एंड जो मेजर चेंजेस हुआ है वो सस्पेंशन का काम हुआ है। तो लगभग अभी तक मेजर जो काम हुआ है इस गाड़ी में, टोटल अगर खर्चे का मैं लगा दूँ तो अप्रॉक्स 1 लाख का खर्चा लग गया है और कम से कम 1 लाख किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा। और भाई इतना गर्मी है ना यहाँ पे, इसलिए ज़रा सा शाम को वीडियो लेना पड़ा, इसलिए अंधेरा भी हो गया था। चलो ठीक है, हो गया है, नेक्स्ट दिन से ज़रा सा पहले कर लेंगे, क्योंकि दोपहर को तो भाई दोपहर को क्या, सुबह 8 बजे के बाद तो वीडियो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर लगभग 42-43 डिग्री चल रहा है, तो इसके वजह से शाम को ही वीडियो लेना पड़ेगा जितना भी गाड़ियों का, तो प्लीज़ उतना मैनेज कर लीजिएगा। और हाँ, और एक चीज़, मेरा इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर अपडेट मैं डालता रहता हूँ, एंड जितना भी टूर वगैरह रहता है पहले तो मैं इंस्टा में ही डालता हूँ, तो वहाँ से आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। खत्म करते हैं वीडियो को, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।